Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this particular lecture, we will discuss about the linkage and recombination. तो इस particular lecture में हम बात करेंगे linkage के बारे में. जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारी lecture series चल रही है 12th की NCERT biology का ये 5th chapter है, जिसमें हम बात कर रहे हैं genetics के बारे में. उसी के आगे का ये लगभग 10th लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे लिंकेज किसे कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन किसे कहते हैं. ओके, तो पहले मतलब समझ लेते हैं, ऐसे ही रफली मतलब समझ लेते हैं लिंकेज का मतलब क्या है. देखिए, लिंकेज का मतलब ये है, जैसे मान ली एक क्रोमेटिड की बात करें, तो एक क्रोमेटिड पे बहुत सारे जीन उपस्थित होते हैं. अब जैसे एग्जाम्पली समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए एक ये कोई क्रोमेटिड है. ओके, यहाँ पर ए जीन प्रेजेंट है, बी है, सी है, डी है, ई है, आगे कई सारे जीन हैं, एफ है. ओके, अब यहाँ क्या होगा, जैसे जैसे मान लीजिए जैसे ए जीन है, तो ए के बहुत सारे फ्रेंड होंगे, तो ए के बहुत सारे फ्रेंड होंगे, लेकिन बहुत सारे फ्रेंड में एक कोई ऐसा फ्रेंड होगा जो एकदम घनिष्ठ फ्रेंड होगा, मित्र होगा, बहुत ज़्यादा मतलब वफादार फ्रेंड होगा. जैसे मान लीजिए हम बी को मान लेते हैं कि ये जो बी है, ए का बहुत ही घनिष्ठ मित्र है, बहुत ही ज़्यादा मानने वाला मित्र है. ओके, तो ये जो ए बी के बीच में एक ऐसी रिलेशनशिप होती है, ऐसी एक टाइटली बाउंड रिलेशनशिप होती है, कि जब इनका सेग्रीगेशन होता है, तब ये एक दूसरे के साथ ही सेग्रीगेट होते हैं. समझ गए? ये जैसे मान लीजिए, अब इसमें क्या कहे कि जैसे ए है, तो ए अकेला सेग्रीगेट नहीं होगा, ए बी के साथ सेग्रीगेट होगा, या बी ए के साथ ही सेग्रीगेट होगा, अकेले अकेले सेग्रीगेट नहीं होते हैं. तब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मेंडल ने क्या बताया था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में बताया था कि कोई भी जीन होगा जो क्रोमेटिड पे उपस्थित होते हैं, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं या सेग्रीगेट होते हैं. लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ जो हुआ कि ए और बी जो हैं, ये साथ ही में सेग्रीगेट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे. इसी जो ये रिलेशनशिप है, इसी को हम क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं. ओके, तो इसके बारे में स्टडी करी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मॉर्गन. उन्होंने एक फ्लाई थी जिसका नाम था सीसी फ्लाई, सॉरी फ्रूट फ्लाई. फ्रूट फ्लाई पे उन्होंने अपना ये वो दिया. फिर वही देखते हैं आगे कि क्या क्या बातें मॉर्गन ने करी थी. तो मॉर्गन कैरीड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी द जीन दैट वर सेक्स लिंक्ड. उन्होंने सेक्स लिंक्ड जो जीन थे, उस पर उन्होंने क्या की, बहुत सारी स्टडी करी, डाइहाइब्रिड क्रॉसेस किए. द क्रॉसेस वर सिमिलर टू द डाइहाइब्रिड क्रॉसेस कैरीड आउट बाई द मेंडेलियन फेज. क्रॉसेस इन्होंने ऐसे किए जो कि क्या, मेंडल ने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस किए थे पी में, उसी से सिमिलर क्रॉस किए इन्होंने, मेंडल ने, सॉरी मॉर्गन ने. तो फिर जैसे एग्जांपल के लिए लें कि मॉर्गन हाइब्रिडाइज्ड येलो बॉडीज वाइट आइड फीमेल. क्या किया कि येलो बॉडीज वाइट आइड फीमेल को इन्होंने क्रॉस करवाया ब्राउन बॉडीज रेड आइड मेल के साथ. ओके, एंड इंटरक्रॉस्ड देयर F1 प्रोजनी. अब जो इनकी प्रोजनी जो हुई, इनकी अगली जो प्रोजनी हुई F1 प्रोजनी, उनको क्या करवा दिया, इंटरक्रॉस्ड करवा दिया, या उनकी सेल्फिंग करवा दी. अब सेल्फिंग करवाने के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व दैट द टू जीन डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली of each other and F2 ratio deviated very significantly from 9:3:3:1 ratio. तो इन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या किया कि जब इन्होंने क्रॉस करवाया येलो बॉडीज वाइट आइड फीमेल को ब्राउन बॉडी रेड आइड मेल के साथ, जब सेग्रीगेट करवाया, सॉरी क्रॉस करवाया, इंटर क्रॉस्ड करवाया उनकी F1 प्रोजनी को, तब इन्होंने पाया कि जो जो इनका मतलब रेशियो था, जो मेंडल का रेशियो था 9:3:3:1, उससे क्या था, ये डिफरेंट आ रहा था. तो इन्होंने पाया क्या कि उसमें जो दो जीन ऐसे हैं कोई, जो अलग अलग सेग्रीगेट नहीं हो पा रहे हैं. तो जब अलग अलग नहीं सेग्रीगेट हो रहे हैं, तो उसका मतलब क्या, उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप है.
तो वही चीज क्या हम कहलाते हैं, वो क्या कहलाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं। ओके, मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट द जीन वर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम एंड सॉ क्विकली दैट व्हेन द टू जीन इन अ डाईहाइब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वर मच हायर देन द नॉन पेरेंटल टाइप। अब इन्होंने पाया कि जो जैसे इन्होंने क्रॉस करवाया था, तो जैसे मान लीजिए कॉम्बिनेशन जो आता है अपन प्रोजनी में 50-50% होता है, या हम कहें 1:1:1:1:1 होता है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन था, जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन था वो क्या था कि उससे बहुत ज्यादा था, पेरेंटल कॉम्बिनेशन नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन से बहुत ही ज्यादा शो कर रहा था, समझ गए। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जो जीन सेग्रीगेट हुए तो वो इंडिपेंडेंटली एसॉर्ट नहीं हुए, इसीलिए क्या हुआ इसमें लिंकेज शो कर रहा था, तो उनका जो रिकॉम्बिनेशन था वो अच्छे से नहीं हो पाया, नॉन पेरेंटल बहुत ही कम बने और पेरेंटल वाला जो जीनोटाइप था वो बहुत ज्यादा दिखा। फिर आगे देखते हैं, मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ द टू जीन एंड कॉइन द टर्म लिंकेज टू डिस्क्राइब दिस फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम एंड टर्म द रिकॉम्बिनेशन। और मेंडल जो मॉर्गन थे उन्होंने पाया कि एक ऐसा मतलब एक इसको एट्रीब्यूट किया कि एक ऐसा फिजिकल एसोसिएशन या लिंकेज है दो जीन के बीच में, दो जीन के बीच में एक ऐसा मतलब इस फिजिकल एसोसिएशन है, उसी को उन्होंने क्या कहा, लिंकेज कहा। ओके, एंड फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम एंड द टर्म रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब द जेनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। और जो नीचे जैसे मान लीजिए जो नॉन पेरेंटल पेरेंटल वाला जो रेशियो आया था उससे उन्होंने क्या कहा, कौन सा टर्म दिया, रिकॉम्बिनेशन, मतलब रिकम्बाइन जब होते हैं तो उसमें क्या मिला, उन्होंने रिकॉम्बाइन जब किया तो पेरेंटल नॉन पेरेंटल दोनों मिले, तो उसको उन्होंने क्या कहा कि ये रिकॉम्बिनेशन है। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप आल्सो फाउंड द इवन व्हेन जीन वर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम सम जीन वर वेरी टाइटली लिंक्ड। जब हुआ क्या कि कुछ ऐसे जीन होते हैं जब सेम क्रोमोसोम पे या सेम उस पे पाए जाएं, सेम क्रोमेटिड थ्रेड पे पाए जाएं, तब वो क्या हुए बहुत ज्यादा टाइटली मतलब लिंक्ड होते हैं, लेकिन जो डिफरेंट होंगे, जो डिफरेंट क्रोमोसोम पे या डिफरेंट क्रोमेटिड पे हैं, जैसे मान लीजिए ए इस पे उपस्थित है और बी इस पे है प्रेजेंट है, तो जैसे मान लीजिए ए यहाँ है, बी यहाँ है और सी यहाँ है और डी यहाँ है, तो ए और सी के बीच में इतना ज्यादा रिलेशनशिप नहीं होगा जितना ए एंड डी के बीच, सी बी के बीच में होगा। तो वही चीज उन्होंने कहा कि व्हाइल अदर वर लूजली लिंक्ड, तो ये क्या थे, लूजली लिंक्ड थे, लेकिन ये जो ए बी था, ए बी के बीच में बहुत ज्यादा टाइटली लिंक्ड रिलेशनशिप थी। फिर जब उन्होंने क्रॉस करवाया कराया तो देखा कि जो 1.3% रिकॉम्बिनेशन था वो पेरेंट नॉन पेरेंटल था, लेकिन पेरेंटल वाला कितना था, लगभग 37.2% था रिकॉम्बिनेशन जो पेरेंटल वाला था, समझ गए। तो यहाँ क्या पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन ज्यादा आया रेशियो और नॉन पेरेंटल कम आया, तो इसीलिए इसे इन्होंने क्या क्या कहा, लिंकेज कहा इसको। यही अगर मान लीजिए अगर यहाँ लिंकेज ना होती तब क्या होती, तब तो ये बराबर आना चाहिए था, या हम कहें 50-50% आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि पेरेंटल वाले के बीच में सॉरी दो जीनों जो दो जीन्स के बीच में मतलब एक ऐसा एसोसिएशन था कि वो दोनों एक ही साथ सेग्रीगेट होते थे। हिज स्टूडेंट अल्फ्रेड स्टूडेंट यूज्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द जीन एंड मैप देयर पोजिशन ऑन द क्रोमोसोम। अब इन्होंने क्या, इनके जो स्टूडेंट थे अल्फ्रेड स्टूडेंट जो थे उन्होंने क्या था कि पेरेंट जो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी देखी तो उसको उन्होंने क्या कहा
कि बिटवीन जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस, तो मतलब जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ज्यादा क्या होगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम रिकॉम्बिनेशन होगी, और जितना कम डिस्टेंस होगी उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा, समझ गए। तो ये चीज किसने बताई, उनके स्टूडेंट अल्फ्रेड ने बताई थी। अब वही आगे देखिए कि जैसे मान लीजिए एक ये क्रॉस किया गया, तो एक ये फीमेल है ये मेल है, इसके बीच में क्या किया गया, ये क्रॉस करवाया गया, तो क्रॉस करवा के जो एफ वन प्रोजनी को इन्होंने क्या किया, फिर से क्या करवा दिया, इन्होंने फिर से क्या वो करवा दिया, सेल्फिंग करवा दी। सेल्फिंग करवाने से क्या हुआ, सेल्फिंग करवाने से देखिए क्या हुआ, जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन था वो देखिए 98.7 आ रहा है, लेकिन रिकॉम्बिनेंट वाला ओनली 1.3% आ रहा है। अब F2 को देखिए, F2 में क्या आया, F2 में भी वही चीज आ रही कि F2 में भी वही मतलब जो पेरेंटल वाला कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा आ रहा है और नॉन पेरेंटल वाला कम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेरेंटल वाला कॉम्बिनेशन है वो लिंकेज शो कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे जीन्स हैं, दो जीन हैं जो उसमें लिंकेज शो कर रहे हैं, इसीलिए उसका क्या रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाया। लेकिन यह रिकॉम्बिनेशन हुआ तो बहुत ही कम रेट पर हुआ। ओके, तो वही लिखा है कि लिंकेज रिजल्ट ऑफ टू डाइहाइब्रिड क्रॉसेस कंडक्टेड बाय मॉर्गन क्रॉस ए शो द क्रॉसिंग ओवर बिटवीन जीन वाई एंड डब्ल्यू, क्रॉस बी शो द क्रॉसिंग ओवर जीन डब्ल्यू एंड एम। ओके, तो इसमें क्या दिया कि द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन वाई एंड डब्ल्यू इज हायर देन द W एंड M। तो यहाँ इन्होंने क्या कहा कि जो W एंड Y के बीच में जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है किससे, W और M के बीच की। तो समझ गए ये क्या हो गई, ये हमने बात कर ली लिंकेज के बारे में। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे पेडिग्री एनालिसिस के बारे में, जिसमें हम देखेंगे पेरेंटल, जैसे एक किसी एक जनरेशन के बीच में कितनी सारी डिजीजेज हैं, या उनके जैसे हम बाबा अपने बाबा की बात करें, फिर अपने पिताजी की बात करें, फिर अपनी बात करें, तो उसमें कौन कौन सी डिजीजेज का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या ट्रांसमिशन हुआ, कैसे कैसे जेनेटिक कैरेक्टर का, वो चीज़ हम देखेंगे लिंकेज में। ओके, सॉरी पेडिग्री एनालिसिस में। ठीक, अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।